आज महाशिवरात्रि है, इस दिन को लेकर दो मान्यताएं हैं। पहली ये कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और दूसरी मान्यता ये कि इसी दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर जानेंगे शिव शैव पंथ और इससे जुड़ी रोचक बातें। यूं तो शिव को अनादि अनंत कहा गया है, कहीं पर भी शिव के जन्म का उल्लेख नहीं मिलता। शिव की भक्ति अनंत काल से मानी गई है, लेकिन इतिहास के मुताबिक शिव पूजा की सभ्यता 4000 साल से ज्यादा पुरानी है। तमिलनाडु में भगवान शिव का 3000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। पौराणिक ग्रंथों में शिव को तंत्र का देवता माना गया है। तंत्र में शिव के साथ शक्ति की भी पूजा की जाती है। शिव के गण भैरव भी तंत्र के देवता हैं। इसलिए शिव को शमशान वासी कहा गया है। शिव सृष्टि के प्रथम अघोरी भी हैं। अघोर यानी जो घोर नहीं हो, सौम्य हो, सबके लिए समान दृष्टि रखता हो, जो किसी भी चीज में भेद ना करे। वेदों में भगवान शिव का उल्लेख पशुपति यानी सारे पशुओं के स्वामी के रूप में मिलता है। साथ ही ऋग्वेद में रुद्र का एक ऐसे देवता के रूप में आह्वान किया गया है जो बीमारियों को दूर करते हैं और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। 4000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव की प्रतिमाएं मिली हैं। वहां खुदाई के दौरान चट्टानों पर उकेरे गए शिवलिंग मिले हैं। साथ ही मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले हैं जिन्हें पशुपति सिक्के कहते हैं। ये सिक्के और शिवलिंग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल से ही शिव की पूजा होती आई है। इतिहास में लगभग 3000 साल पहले शिव के एक अलग पंथ शैव का उल्लेख मिलता है, जबकि इतिहासकारों के मुताबिक इस पंथ ने 2400 साल पहले आकार लेना शुरू किया। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि शिव को मानने वाले लोग पशुओं की खाल पहनते थे, हाथों में त्रिशूल रखते थे, वो सारे चिन्हों को अपने साथ रखते थे जो शिव से जुड़े हों। इतिहासकार मानते हैं कि पौराणिक काल के बाद शिव भक्ति और शैव समुदाय ने तेजी से अपनी जगह बनाई। 300 शताब्दी के कुषाण राजाओं के काल में सिक्कों पर भी शिव की आकृतियां उकेरी जाती थी, राजमुद्रा पर भी शिव ही थे। तीसरी और पांचवी शताब्दी के बीच गुप्त शासन काल में शैव पंथ और तेजी से फैला। धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी शैव पंथ का विस्तार हुआ। लोग तेजी से शिव भक्त बन रहे थे। इसी दौरान सबसे ज्यादा शिव मंदिर बनवाए गए। आठवीं शताब्दी की शुरुआत में जन्मे आदि शंकराचार्य ने शैव संप्रदाय, शैव मत और शैव साहित्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने दशनामी 7 शैव अखाड़ों की स्थापना की। शंकराचार्य स्वयं शिव के अवतार माने गए। उनके काल में केदारनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बढ़ा। उन्होंने इन जगहों पर साधना की और सभी ज्योतिर्लिंगों में शंकराचार्य की पूजा भी शुरू हुई। शैव सिद्धांतों को 4 भेदों में बांटा जाता है। इन सिद्धांतों के मुताबिक शिव एकमात्र सत्य हैं और जगह के निर्माता हैं। ये सिद्धांत हैं शैवागम, शैवाद्वैत, शैवा विशिष्ट द्वैत और शैव दर्शन। इस धर्म में शिवलिंग पूजनीय है। ये शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है, साथ ही ये शक्ति का प्रतीक भी है। शैव पंथ के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं महाशिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और कार्तिक पूर्णिमा। भले ही आक्रमणकारियों ने कई मंदिर तोड़ दिए हों, लेकिन इतिहास की दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि शिव कड़कड़ में है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक।